सद्भावना मंच द्वारा माली कुआं स्थित कार्यालय पर आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यह जानकारी देते हुए मंच के निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर मंच संस्थापक प्रमोद जैन ने कहा कि विविधता में एकता हमारी पहचान है। देश की विभिन्न बोलियों, भाषाओं, संस्कृतियों पर हमें गर्व है। वह अधिक बाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक जीत हासिल की। देशवासियों के प्रति योगदान एवं संघर्ष के कारण ही आज भी प्रदर्शनी के नाम से जानी जाती है। इस अवसर पर अनेक सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर मंच संस्थापक प्रमोद जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरी, कैलाश चंद्र शर्मा, ओम पिल्ले, देवेंद्र जैन, एमएम कुरैसी, निर्मल मंगवानी, वैज्ञानिक अर्जुन बुंदेला, राधे श्याम शाह के, कैलाश पटेल, सुभाष मीणा, महस मूल चंदानी आदि मंच सदस्यों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट। आज इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और सबसे बड़ा आयरन लेडी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, उनका जन्मदिन है, जयंती है। सद्भावना मंच उनकी जयंती के अवसर पर उनको सत नमन करता है, उनको विनम्र श्रद्धा समन अर्पित करता है। और इंदिरा गांधी के बारे में पूरे विश्व में एक ऐसी महिला थी, ऐसी नेत्री थी जो कि पूरे विश्व में छाई हुई थी, पूरा विश्व उनको जानता है। और उनकी बहादुरी के चर्चे यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में उनकी तारीफ करते हुए उनको दुर्गा से संबोधित किया। वो इसलिए किया कि वो ऐसी महिला थी और ऐसे सख्त निर्णय लेती थी। उन्होंने ऐसा सख्त निर्णय लेके पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को यानी समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसी नेत्री, ऐसी नेता जो कि भारतवर्ष में, विश्व में बहुत कम देखने को मिलेगी, उनको हम सत नमन सद्भावना मंच की ओर से करते हैं और आशा करते हैं देश के प्रत्येक नेता उनके मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देश को ऊंचा उठाएंगे। जय हिंद।